करते हैं एक्सरसाइज 12.3 का की शुरुआत हम करते हैं। इसका है आज हमें क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सिंपल क्वेश्चन है, हमें इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। सिंपल क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है डायग्राम देकर। जो एक्सरसाइज हम आज स्टार्ट करेंगे इसमें हर एक क्वेश्चन को डायग्राम देकर है। सिंपली आपके पास डायग्राम गिवन होगा, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा डायग्राम विल बी गिवन। इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है और इसमें कुछ आपको मेजरमेंट्स भी देकर है। यहां पे अगर आप देखोगे PQ, where is PQ? P and Q, यही है ना? Yes sir. It is 24. ये 24 है। PR, PR कौन सा है? P and R, it is 7 centimeter. ये दो आपको गिवन है। तो सवाल कहता है O is the center of the circle. तब मुझे बच्चों एक बात बताओ, अगर O अगर जो center of the circle, तो PQ क्या होना चाहिए? तब सॉरी RQ क्या होना चाहिए? आपको बात समझ में आ रही है? सवाल ये डायरेक्टली नहीं कहते डायरेक्टली, सवाल कहता है O is the center of the circle. तब ये जो लाइन सेंटर से होके जाती है और सर्कमफेरेंस के दो एंड पॉइंट्स को टच करके जाता है वो डायमीटर होना चाहिए, क्योंकि डायमीटर इज अ लाइन व्हिच पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये दो रेसिपी लिखिए PR as such, सॉरी R जो इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अच्छा बच्चों मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा इस सवाल को हम कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास जो डायमीटर है इट डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू हाफ्स, दो हाफ्स में डिवाइड करता है। आपका आपको ये की बोन एक हाफ से ऊपर और एक में पॉइंट। तो मैं एक काम करता हूं स्ट्रेटजी कैसे इस शेडेड रीजन का एरिया निकलेगा। मैं निकालूंगा इस सेमी सर्कल का एरिया पूरे सेमी सर्कल का, उसमें शेडेड रीजन दिया जाएगा और ये ट्रायंगल पूरे सेमी सर्कल का एरिया इसका, उसको फिर मैं करूं फिर निकालूंगा उसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया। देखिए ये दो जो अगर आप देखोगे शेडेड रीजन दो जो है ये सेगमेंट्स बनते हैं, तो सेगमेंट्स को एरिया निकालने के लिए मेरे पास डायरेक्टली कोई फार्मूला नहीं है। आपको याद है कोई फॉर्मूला नहीं है इसके लिए, कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं, इसको हम इनडायरेक्टली करते हैं। तो कैसे निकालूंगा मैं फिर से बताऊंगा। मैं इस सेमी सर्कल का एरिया निकालूंगा पूरा, उसमें ट्रायंगल भी आएगा, ये सेगमेंट भी आएगा, ये सेगमेंट भी पूरा। फिर मैं करूंगा काम इस ट्रायंगल का अलग से एरिया निकालूंगा, फिर सेमी सर्कल के एरिया से मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस करूंगा, वहां पे बचेगा ये और ये। क्लियर हो गया? ये मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं। अब हम करेंगे स्टार्ट। देखो मैं जो सबसे पहले मैं सेमी सर्कल का एरिया निकालता उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? रेडियस। खाली एक चीज होना चाहिए मुझे मालूम उसके लिए, रेडियस। लेकिन रेडियस इज नॉट गिवन। तो रेडियस निकालने के लिए मैं इस डायमीटर को सबसे पहले फाइंड करूंगा। देखिए प्रॉब्लम क्वेश्चन ने क्या रखी है, ये भी गिवन है ये भी गिवन है लेकिन डायमीटर इज नॉट गिवन। मैं करूंगा काम इस ट्रायंगल से लेके मैं इस डायमीटर को सबसे पहले फाइंड करूंगा, फिर डायमीटर को डिवाइड बाय 2 करूंगा, वहां पे रेडियस निकलेगी, फिर रेडियस से मुझे एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकलेगा। क्लियर हो गया? तो मैं लूंगा सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, मैं लूंगा फ्रॉम ट्रायंगल, क्या नाम है इस ट्रायंगल का? PQR, कॉमा हुई गेट। मुझे बच्चों बताओ इसमें मुझे कितने साइड गिवन है? दो। मैं इसमें कौन सी फार्मूला लगाता? 1/2 बेस ऑन हाइट, लेकिन नहीं लगा सकता क्योंकि मेरे पास हाइट अभी मुझे प्रूव नहीं है, राइट ट्रायंगल है क्या, कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस भी तो नहीं है। तो मैं हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करता जो आपको मालूम है तीनों साइड गिवन है, लेकिन तीन भी नहीं देकर है। तो देखो बच्चों मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसको प्रूव करूंगा ये राइट एंगल ट्रायंगल। देखो कैसे प्रूव करूंगा, आप मुझे बताओ ये एंगल पी कितना है? 90। ये 90 है, यही थ्योरम में मैंने कहा, इसीलिए मैंने वो थ्योरम आपको कल करवाया था। ये कहां पे सबमिट होता है एंगल पी? मैं कह सकता हूं ये 90 डिग्री है, व्हाई? आप बच्चों बताओ क्यों? यही मैंने कल थ्योरम में प्रूव किया, ये डायमीटर है, डायमीटर से सबटेंड होने वाला एंगल हमेशा 90 होता है। जब सेमी सर्कल के सर्कमफेरेंस पे डायमीटर से एंगल सबटेंड होता है वो हमेशा 90 होता है, चाहे वो कहीं पर भी हो, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर, वो मैंने कल आपको प्रूव कर दिया। तो ये एंगल दिस इज द डायमीटर और डायमीटर से एंगल सबटेंड होता है सर्कमफेरेंस के सेमी सर्कल के सर्कमफेरेंस पे, ये कितना होगा? 90। मैंने कल भी बोला ना। तो फिर मैं कह सकता हूं सबसे पहले मैं ये लिखूंगा, मैं लिखूंगा इस ट्रायंगल में सिनस एंगल पी इज इक्वल टू 90। रीजन लिखो बच्चों, व्हाई? क्योंकि ये सबटेंड होता है सेमी सर्कल के सर्कमफेरेंस पे। मैं लिखूंगा इसलिए 90 है क्योंकि एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल। क्लियर हो गया? अगर किसी को शक है तो मैं बताऊंगा क्या, मैंने कहा प्रूव करके दिया, ये मेरा डायमीटर है, ये यहां पे इसके सर्कमफेरेंस पे यू का शिवा सेमी सर्कल, डायमीटर से नीचे नीचे क्या है, दिस इज सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल के सर्कमफेरेंस पे सबटेंड होता है डायमीटर का जो एंगल, तो ये 90 होगा। ये मैंने कहा प्रूव।
अगर ये 90 है तो देयरफॉर पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि वो ट्रायंगल जिसका एक ज़ाविया एक एंगल होगा 90 उसको हम कहते हैं राइट एंगल देयरफॉर मैं कह सकता हूं ट्रायंगल पी क्यू आर इज ए राइट ट्रायंगल। प्रूव हो गया, हो गया प्रूव। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके दो साइड ये बने में पाइथागोरस थ्योरम के जरिए से तीसरा साइड निकाल सकता हूं। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। मैंने पहले ही प्रूव कर दिया ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब मैं लिखूंगा बाय PG थ्योरम, बाय PG क्या, अब PG थ्योरम अप्लाई करो। PG थ्योरम आपको मालूम होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर हो? यस सर। तो मुझे बताओ h स्क्वायर कितना है, r क्यू स्क्वायर, r क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बेस को है r स्क्वायर या pr स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मेरा है p क्यू स्क्वायर, p क्यू स्क्वायर। क्लियर? यस सर। चलो आर क्यू स्क्वायर कितना है, आर क्यू स्क्वायर ये फाइंड करना है कि ऐसे ही लिखना है आर क्यू स्क्वायर ऐसे ही पी आर स्क्वायर। वेरी गुड, 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। गुड, पी क्यू स्क्वायर 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो आर क्यू स्क्वायर ऐसे ही 7749 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर दो बार हो प्लस 24 × 24 576 ये है ना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया हमें? अब आर क्यू स्क्वायर ऐसे ही 49, ये 49 है, 49 प्लस 576 अगर आप करोगे 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर, मुझे खाली पी क्यू चाहिए, मुझे पी क्यू स्क्वायर नहीं चाहिए, इसको स्क्वायर करने के लिए देखो मैं बच्चों क्या करता हूं। आर क्यू स्क्वायर ऐसे ही 625 जो है ये स्क्वायर रूट होता है 25 का। अगर मैं इसके बदले 25 का स्क्वायर लिखूं फर्क क्या है, कोई फर्क नहीं, 25 × 25 फिर से करो y आ जाएगा 625। भैया की बात ना 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, अगर मैं 25 सेंटीमीटर डायरेक्ट फिर उसी देख सकता हूं, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन ये हम वहां पे करते हैं जहां पे इसका स्क्वायर रूट होता है। अगर तेरे को स्क्वायर रूट का क्लियर हो गया, अब देखो मैं ये स्क्वायर और ये स्क्वायर खत्म करता हूं, मैंने लेफ्ट से भी हटाया राइट से भी, तो इक्वेशन फिर से बैलेंस रहेगी। मुझे निकला 25 सेंटीमीटर, निकल गया मुझे डायरेक्टर ये ड्रॉ मैं लिखूंगा डियर फोर डायमीटर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ सर्कल जो है वो है 25 सेंटीमीटर। मगर जब मैं सेमी सर्कल का एरिया निकालूंगा उसको मुझे रेडियस है डायमीटर, इसलिए मैं रेडियस को निकाल के रखूंगा। लेकिन अब निकलेगा डायमीटर का कैसे होता है रेडियस। डियर फोर अब मैं यहां से करता हूं, डियर फोर अगर मेरा डायमीटर इतना है, डियर फोर रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ वो कितना होता है डी डिवाइड बाई टू। क्लियर हो गया इतना, डी डिवाइड बाई टू जो है डी मुझे कितना निकला 25, 25 सेंटीमीटर डिवाइड बाई टू होता है 12.5 है ना, 25 का मतलब 12.5 सेंटीमीटर। रखी मैंने रेडियस निकाल के, अब एक सेम एरिया निकालो, अब सेमी सर्कल का एरिया किस वाले सेमी सर्कल का, ये वाला सेमी सर्कल जो है इसका एरिया। फार्मूला है बच्चों आपको मालूम है, अगर फुल सर्कल होगा तो पाई आर स्क्वायर, अगर हाफ सर्कल है डिवाइड बाय 2, उसके दो हिस्से हो जाएंगे। तो देयरफॉर एरिया ऑफ सेमी, सेमी मींस आधा सेमी सर्कल, सेमी सर्कल की फार्मूला है 1 डिवाइड बाय 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर यहां पे? तो 1 डिवाइड बाय 2 ऐसे ही पाई के बदले 22/7 इंटू आर है 12.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? यहां पे कसर कटेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 वहां पे निकला मुझे कुल मिला के 11/7 इंटू 12.5 × 12.5 156.25 सेंटीमीटर भी दो बार होगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब करो 11 इंटू इसके साथ करो 1718.75 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 7, अब 7 से तकसीम करो 245.54 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। निकला हमें सेमी सर्कल, लेकिन निकालना किस एरिया है, शेड रीजन का। अब सेमी सर्कल का मैंने निकाला, अब मैं निकालूंगा ट्रायंगल का एरिया। फिर करूंगा मैं काम, इस पूरे सेमी सर्कल के एरिया से मैं करूंगा माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, वहां पे बचेगा ये सेगमेंट और ये सेगमेंट। क्लियर हो गया? तो बच्चों मैं आप एक काम करता हूं, मैं लिखूंगा, अब मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभी मैंने ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाला। देयरफॉर एरिया ऑफ ये राइट ट्रायंगल, ये मैंने प्रूव किया है पहले, ये राइट एंगल ट्रायंगल फार्मूला इस्तेमाल होगी 1 / 2 बेस इज द हाइट,
तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, इस वाले का पी क्यू आर, तो फॉर्मूला इस्तेमाल होगी 1 डिवाइड बाय 2 बेस इनटू हाइट। वेरी गुड बच्चों, आसान है ना, 1 बाय 2 ऐसे ही बेस कितनी है, बेस है 7 सेंटीमीटर इनटू हाइट जो है वो है 24 सेंटीमीटर। अब करो यहां पे कैसा करेंगे, 2 1 2 2 2 2 2 4, तो कुल मिलाकर अब यहां पे बचा 7 × 12 कितना हो गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब आसान है, बस माइनस करना है। Therefore एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, मैं करूंगा इस सेमी सर्कल के एरिया से माइनस करूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, वहां पे ये सेगमेंट और ये सेगमेंट खुद बचेगा। Therefore एरिया ऑफ शेडेड, जो शेड करके है शेडेड रीजन का एरिया वो आएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। बताओ बच्चों एरिया ऑफ सेमी सर्कल मैंने निकाला कहीं पे, कहां है ये 245.54 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ट्रायंगल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन दोनों को माइनस करो 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इसका भी और इसका भी दोनों का मिलाकर है 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? यस सर।